एक और लव जिहाद की कहानी। जिहादी ने हिंदू बनकर फंसाया, हिंदू बेटी से 5 लाख की डिमांड, जिहादी को पुलिस ने दबोचा। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिष्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। हिंदू लड़कियां दिनों दिन बढ़ रहे लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, जहां एक बार फिर से एक जिहादी ने अपनी घिनौनी करतूत को अंजाम दिया है। तालिब खान नाम के युवक ने अपना नाम राकेश रखकर पहले पीड़िता को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर उस पर धर्म बदलने का दबाव बनाने लगा और ऐसा ना करने पर लड़की से 5 लाख की डिमांड करने लगा। तो क्या कुछ है पूरा मामला, आज इसी पर विस्तार से बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो प्रयास किए उसकी खूब चर्चा है। खास तौर से बीजेपी शासित दूसरे राज्यों में तो इस योगी मॉडल को अपनाने होते हुए नजर आ रहे हैं। बुलडोजर एक्शन, लव जिहाद और गौ सुरक्षा को लेकर बने कानून इसमें प्रमुख है, सबसे ऊपर है। अपराधियों पर इन कानूनों से लगाम लग रही है, लेकिन फिर भी बीते कुछ समय में देश के कई राज्यों में लव जिहाद की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। कड़ा कानून होने के बावजूद भी जिहादी अपनी घिनौनी हरकतों से बाज नहीं आते। योगी सरकार ने प्रदेश में सख्त कानून अपनाया है, फिर भी जिहादियों की अकल ठिकाने नहीं लगती। जहां लव जिहाद का एक मामला फिर से सामने आ गया है, लेकिन योगी की पुलिस ने जिहादी की अकल को ठिकाने लगा दिया। जहां उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में एक दलित लड़की के साथ लव जिहाद का मामला हुआ है, यहाँ तालिब खान नाम के युवक ने पहले अपना नाम राकेश रखकर लड़की को प्यार के झांसे में लिया, फिर उसके साथ बलात्कार किया, दुष्कर्म किया। इस दौरान तालिब ने पीड़ित की अश्लील वीडियो बनाकर उस पर इस्लाम कबूलने का दबाव भी बनाना शुरू कर दिया। आरोप है कि इस्लाम नहीं कबूलने पर 22 साल के तालिब ने पीड़िता से 5 लाख रुपए की डिमांड की मांग की। आखिरकार इस मामले से तंग आकर लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। वो थाने पहुंच गई और वहां FIR दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने तालिब के खिलाफ FIR दर्ज कर ली और रविवार 7 अप्रैल 2024 को उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। ये मामला शाहजहांपुर जिले के थाना क्षेत्र सिंधौली का है, जहां शुक्रवार 5 अप्रैल 2024 को एक दलित लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में पीड़िता ने बताया कि उसके पिता की मृत्यु 10 साल पहले ही हो चुकी है। लगभग 2 साल पहले उसे एक युवक मिला जिसने अपना नाम राकेश बताया। राकेश ने थोड़े समय की बातचीत में पीड़िता से दोस्ती कर ली। इसके बाद दोनों आपस में बातें करने लगे और फिर दोनों मिलने जुलने लगे। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता से दुष्कर्म भी किया। इसी बीच राकेश ने पीड़िता के साथ कुछ व्यक्तिगत तस्वीरें भी खींच ली। धर्म बदलने से किया इनकार तो हिंदू बेटी से मांगे 5 लाख। वही फिर लगभग 4 महीने पहले लड़की को पता चला कि जिसे वो राकेश समझ रही थी वो असल में लखीमपुर खीरी जिले का रहने वाला तालिब खा है। सच्चाई जानकर वो तालिब से दूरी बनाने लगी। अपनी पोल खुल जाने के बाद तालिब पीड़िता पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाने लगा, धर्मांतरण करने को कहने लगा। जब पीड़िता ने इससे मना किया तो उसकी तस्वीरें इंस्टाग्राम पर वायरल करने की धमकी देने लगा। तालिब ने पीड़िता को बदनाम करके कहीं भी शादी लायक न छोड़ने जैसी बातें भी कही। पीड़िता द्वारा तालिब खान से ऐसा ना करने की बात कही गई, लेकिन तालिब का दिल नहीं पसीजा। उल्टा वो पीड़िता से 5 लाख रुपए की डिमांड करने लगा, 5 लाख रुपए मांगने लगा। अपनी शिकायत में लड़की ने तालिब खान पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने 22 साल के तालिब खान पर FIR भी दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी थी। उस पर IPC की धारा 384, 376 और 506 के अलावा SC/ST एक्ट में कार्रवाई की गई और फिर रविवार 7 अप्रैल को तालिब को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। पुलिस मामले में जांच और अन्य जरूरी कार्रवाई कर रही है। वहीं आपको बता दें कि ये लव जिहाद का कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे ही मामले आए दिन सामने आते रहते हैं जहां हिंदू बेटियों को धर्मांतरण का शिकार बनाया जाता है। हिंदू लड़की को बनाया आयशा, पीट पीट कर किया लहूलुहान। ऐसा ही एक बेहद ही शर्मनाक करने वाला मामला राजस्थान से सामने आया,
जहां भरतपुर से एक दलित लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर जबरन धर्म परिवर्तन किए जाने का मामला सामने आया था। पीड़िता ने मुबारक अली और उसकी अम्मी के खिलाफ 1 अप्रैल 2024 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जबरन मांस खिलाने, नमाज पढ़ने और रोजा रखने और हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने से रोकने का आरोप उसने दोनों पर लगाया है। पीड़िता के अनुसार रोजा रखने से इनकार करने पर उसकी बुरी तरीके से पिटाई की जाती। पीड़िता बताती है कि मुबारक ने उसे 7 महीने से अपने गांव में कैद कर रखा था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह घटना भरतपुर के कामन थाना क्षेत्र की है। यहाँ के गांव झेजेपुर के मुबारक अली पर आरोप है कि उसने नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में नर्सिंग का कोर्स कर रही 20 साल की लड़की से फेसबुक के जरिए दोस्ती की। कुछ दिनों की बातचीत के बाद उसने पीड़िता को प्यार के जाल में फंसा लिया। लड़की से मिलने मुबारक नोएडा आया और 1 सितंबर 2023 को उसे अपने साथ लेकर राजस्थान के सिखरी थाना क्षेत्र के गांव बेला में ले गया। यहां उसने लड़की को अपने बड़े भाई तालीम के घर 10 दिनों तक रखा। बताया गया है कि बेला गांव में ही मुबारक ने पीड़िता से निकाह किया, शादी कर ली और उसका नाम बदलकर आयशा रख लिया। उसको हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कर दिया। 10 दिनों बाद मुबारक पीड़िता को कावन थाना क्षेत्र के अपने गांव झेजेपुरी ले आया। यहां मुबारक के साथ उसका पूरा परिवार पीड़िता को आयशा नाम से बुलाने लगा। कुछ दिनों बाद आरोपी के घर वाले पीड़िता पर मांस खाने और नमाज पढ़ने का दबाव बनाने लगे। मना करने पर पीड़िता की बेरहमी से पिटाई की जाती, उसे हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने से भी रोका जाता। मुबारक के गांव के मुस्लिम सरपंच ने भी उसे रोजा रखने के लिए कहा। मुबारक के घर वालों पर आरोप है कि उन्होंने पीड़िता से मोबाइल फोन भी छीन लिया था। सोमवार 1 अप्रैल को मुबारक अपना फोन चार्जिंग में लगाकर कहीं बाहर गया था। मौका मिलते ही पीड़िता ने मुबारक के ही फोन से अपने घर में कॉल किया, अपने घर वालों को संपर्क किया और सारी कहानी बताई। पीड़िता के घर वालों ने कामन थाना को सूचित किया तो पुलिस मुबारक के घर पहुंच गई। पुलिस मुबारक और पीड़िता दोनों को लेकर थाने आई। पीड़िता को उनके परिजनों के हवाले कर दिया गया, साथ ही मुबारक को हिरासत में लेकर उसे जेल भेज दिया गया। धर्म परिवर्तन के लिए किया मजबूर, अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी। एक ऐसा ही मामला रायबरेली से सामने आया। यह पूरा मामला लव जिहाद का है। इसमें एक युवक महिला को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर रहा था और उसको धमकी दे रहा था कि अगर वो धर्म परिवर्तन नहीं करेगी तो उसका अश्लील वीडियो वायरल कर देगा, जिसके चलते महिला काफी परेशान हो गई। लेकिन उसने प्रशासन पर भरोसा जताते हुए पुलिस स्टेशन में इस मामले को लेकर वो पहुंच गई और केस दर्ज करा दिया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के रायबरेली का है, जहां 3 साल के बच्चे की विधवा माँ को लव जिहाद के मामले में अपना शिकार बनाने की पुरजोर कोशिश की जा रही थी। एक युवक अपना नाम बदलकर एक सीधी महिला को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उसके बाद उसे धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करता है, दबाव बनाता है। युवक महिला से कहता है कि अगर वो धर्म परिवर्तन नहीं करती है तो उसका अश्लील वीडियो वायरल कर देगा। आधार कार्ड के जरिए जब युवक की पोल खुली तो पता चला कि वो दूसरे धर्म का व्यक्ति है। पहले युवक ने अपना नाम कल्लू यादव बताया था, जबकि उसका पूरा नाम परिचय पत्र में मोहम्मद अंसार था। आरोपी डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर धरावा का रहने वाला है। पीड़िता मथुरा जिले की रहने वाली है। उसके पति का निधन 1 साल पहले ही हो चुका था और 1-3 साल का उसका बच्चा भी था। मोबाइल फोन के जरिए आरोपी से परिचय हुआ था। कल्लू यादव बनकर महिला से बात कर रहा था, जबकि उसका असली नाम मोहम्मद अंसार था। धर्म परिवर्तन कराने के लिए धमकी भी दे रहा था। उसका कहना था कि अगर ऐसा नहीं किया तो वीडियो वायरल कर देगा। वहीं आपको बता दें कि देश में पहचान छिपाकर किसी महिला से यौन संबंध बनाने को अपराध की श्रेणी में लाया गया है। केंद्र सरकार की ओर से लोकसभा में प्रस्तावित कानूनों में से एक में पहचान छिपाकर शादी करने या यौन संबंध बनाने पर दोषी को 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसे लव जिहाद के खिलाफ केंद्र सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि देश के कई राज्यों में लव जिहाद और जबरन कन्वर्जन के खिलाफ कानून है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों में लव जिहाद और जबरन कन्वर्जन के कराने वाले के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू है। यहाँ बलपूर्वक, झूठ बोलकर, लालच देकर या अन्य किसी कपटपूर्ण तरीके से या फिर विवाह के लिए कन्वर्जन कराना गैर जमानती अपराध है।
इसके लिए दोषी को कम से कम 1 साल की और अधिकतम 5 साल की सजा हो सकती है। साथ ही साथ कम से कम 15,000 रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। अगर मामला नाबालिग किशोरी, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के संबंध में हुआ तो दोषी को 3 साल से 10 साल तक का कारावास की सजा है और 25,000 रुपये जुर्माना है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।